मेरा नाम है धीरेंद्र सिंह। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 66 एडमिशन ऑफ पार्टनर का, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। देखो ये आपके सामने क्वेश्चन है, इसमें हम बात करेंगे, पूरा अच्छे से सोल्यूशन समझेंगे इस क्वेश्चन का। बस इस वीडियो को आपको ढंग से एंड तक देखना पड़ेगा, तब आपको बहुत बढ़िया समझ में आएगा। देखो आपके सामने मैंने तीनों बना दिए, जो रेवोल्यूशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट जो आपको बनानी है ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा हुआ है, सुशील और सतीश पार्टनर है, 3:2 में प्रॉफिट बांट रहे हैं। बैलेंस शीट दे रखी है आपके सामने इतनी, 31 मार्च 2023 की। नीचे कह रहा है कि 1 अप्रैल 2023 को ना समीर को पार्टनर को एडमिट किया गया। ठीक है, पहला एडजस्टमेंट, समीर 40,000 की कैपिटल ला रहा है चेक के थ्रू, 1/6 शेयर प्रॉफिट का है। देखो एक तरीका तो यह है कि मैं सीधा लिख दूँ यहाँ पर बाय बैंक अकाउंट, आपको पता है सीधा यहाँ लिखते हैं, लेकिन मुझे पता है कि सबसे पहले आप ये नहीं बनाओगे, सबसे पहले ये बनाओगे। भले ही मैंने तीनों को एक साथ लिखा है, बट आप, मैं स्टार्ट रिवोल्यूशन अकाउंट से ही करूँगा जैसे कि आप करते हो, तो रिवोल्यूशन अकाउंट से ही स्टार्ट करेंगे। सेकंड एडजस्टमेंट भी रिवोल्यूशन अकाउंट की नहीं है, तीसरी भी नहीं है। ध्यान से देखो, तीसरी क्या कह रहे हैं कि वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम 3,000 रुपये का आया है। क्या ऊपर कोई रिजर्व पड़ा हुआ है वर्कमैन कंपनसेशन का? बिल्कुल सर, पड़ा हुआ है 5600 का पड़ा हुआ है। तो 5600 का क्लेम, सॉरी 5600 का रिजर्व इस्तेमाल करूँगा उस क्लेम को पूरा करने के लिए, तो इसलिए वो तो क्लेम जो है वो तो रिजर्व से पूरा हो जाएगा। बैड डेट को राइट ऑफ करो 6,000 रुपये, ये है तगड़ी एडजस्टमेंट। और आपको अपने 11th क्लास के फंडे को रिवाइज करना पड़ेगा, अगर आपको फंडे क्लियर नहीं है तो अब मुझे क्लियर करने पड़ेंगे। ठीक है, बैड डेट 6,000 रुपये के नए आए, देखो नए बैड डेट को माइनस करते हैं डेटर में से, लेकिन लेकिन एक्चुअली में देखो ध्यान से, बैड डेट को ख़त्म भी कर सकते हैं। अगर कोई पुराना प्रोविज़न को डाउटफुल डेट पड़ा हुआ है तो उसको यूज़ करते हैं उस बैड डेट को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि प्रोविज़न बनाया था बैड डेट के लिए, और बैड डेट अगर हो गया तो वो प्रोविज़न किसी काम का नहीं है, वो प्रोविज़न को ख़त्म कर देंगे, बैड डेट को रिटर्न ऑफ कर देंगे उसमें से। प्रोविज़न मेरा बैलेंस शीट में माइनस करते हुए कह रहा है सेंडी डेटर में 4,000 रुपये का, यानी कि पुराना प्रोविज़न 4,000 का है। तो प्रोविज़न को ख़त्म करने के लिए डेबिट करते हैं, क्योंकि वो लायबिलिटी होती है। तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट, पूरे 4,000 को इस्तेमाल कर दूंगा बैड डेट को ख़त्म करने के लिए। वैसे तो बैड डेट 6,000 रुपये के है, बट 6,000 के तो पूरे ख़त्म नहीं कर सकता, लेकिन 4,000 के तो कर सकता हूँ ना। इससे फायदा पता क्या हुआ कि 4,000 रुपये का प्रोविज़न ख़त्म हो गया। अब मैं डेटर में से प्रोविज़न माइनस नहीं करूँगा 4,000 का जो किसने कर रखा था, क्योंकि मैंने वो ख़त्म कर दिया, क्योंकि बैड डेट आ गए और बैड डेट भी 4,000 के ख़त्म हो गए। यानी कि जो 6,000 के मुझे बैड डेट माइनस करने थे डेटर में से, अब वो 6,000 के नहीं करूँगा। तो बैड डेट बचे कितने, 6,000 के थे, 4,000 के तो ख़त्म कर दिए, बचे कितने, 2,000 रुपये के। तो वो 2,000 के एक्चुअल में मेरे बैड डेट आए, वो 2,000 के बैड डेट आए, वो डेटर माइनस करूँगा, और वो जो नए बैड डेट आ गए हैं उसको रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखूँगा, क्योंकि डेटर बढ़ेगा मेरा, डेटर बढ़ेगा कम होगा, डेटर घटेगा, क्योंकि बैड डेट माइनस करते डेटर में से, यानी कि डेटर कम हो जाएंगे, एसेट कम होता तो डेबिट साइड पर आता। तो इसका मतलब रिवोल्यूशन अकाउंट में लिखूंगा, टू डेटर अकाउंट नहीं लिखूंगा, नाम क्या है, बैड डेट्स, टू बैड डेट्स अकाउंट 2,000 से। बहुत ध्यान से समझने वाली बात है, यहाँ पर लोग गलती के सबसे बड़ी क्या करेंगे, 6,000 लिख देंगे, 6,000 नहीं लिखना है, क्योंकि वो पुराने प्रोविज़न का भी इस्तेमाल करना है बैड डेट को ख़त्म करने के लिए। तो 4,000 का इस्तेमाल से इस्तेमाल किया, प्रोविज़न ख़त्म, बैड डेट भी ख़त्म, बचा 2,000 रिवोल्यूशन अकाउंट आएगा और डेटर में से माइनस कर। नेक्स्ट, क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 रुपये मोर, तो 2,000 के क्रेडिटर ज़्यादा पे करने हैं, तो यानी कि क्रेडिटर बढ़ गए 2,000 से, लाइबिलिटी बढ़ गई तो डेबिट साइड पर आती है, तो यानी कि टू क्रेडिटर को, क्रेडिटर आर टू बी पेड 2,000 रुपये मोर। देयर बींग अ क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट 2,000 टू बी क्रेडिट, वो कह रहे हैं कि डैमेजेस का कोई क्लेम आया और उसकी लाइबिलिटी 2,000 रुपये की क्रिएट करनी चाहिए थी, करी ली, वो कर देंगे, तो एक नई लाइबिलिटी आ गई, कोई किसी ने डैमेज हुआ हो फैक्ट्री में कुछ या कुछ गोडाउन में, वो सब क्लेम मांग रहे हैं, तो एक नई लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी आती है डेबिट साइड पे, नई लाइबिलिटी बनती है, तो लाइबिलिटी का नाम क्या है, टू क्लेम फॉर डैमेजेस अकाउंट 2,000। ठीक है,
नेक्स्ट कह रहा है कि आउटस्टैंडिंग रेंट टू बी ब्रॉट डाउन टू 11,200। कोई आउटस्टैंडिंग रेंट क्वेश्चन में है? देखो ध्यान से ऊपर है, बिल्कुल। अगर आप बैलेंस शीट पर ध्यान से देखोगे 13,000 रुपये का आउटस्टैंडिंग रेंट है, उसको घट के 11,200 कर देंगे। 13,000 का 11,200 कर देगा आउटस्टैंडिंग रेंट, तो कितने का कम हो गया? 1,800 से कम हो गया। ये फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ? लायबिलिटी घटती तो फ़ायदा होता है, फ़ायदा आता है क्रेडिट साइड में। तो यहाँ लिखूंगा बाय आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट 1,800 से कम हो गया, ये फ़ायदा हो गया मुझे। समझ आ रही बात? बहुत बढ़िया। और कोई एडजस्टमेंट है नहीं, तो इसका टोटल करते हैं। डेबिट बड़ी आ रही है, 6,000 से डेबिट का टोटल आ रहा है, यही 6,000 रुपये का टोटल यहाँ आना चाहिए। लॉस आ रहा है यहाँ पर, यानी कि बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। पुराने पार्टनर कौन है? सुशील और सतीश। सुशील और सतीश में बढ़ जाएगा ये, सुशील और सतीश। कितने का लॉस आ रहा है? देखो 6,000 में से 1,800 गए 4,200। इसकी रेशियो भी दे रखी होगी कोई? बिल्कुल दे रखी है, 3:2। तो 4,200 को 3:2 में कैसे बांटेंगे भाई? पहले 4,200 को 5 से डिवाइड कर दो, टोटल प्रोपोर्शन 5 है, तो यह आ जाएगा 5,840 के 3:2 में बांटना है, इंटू 3 इंटू 2 कर दो, तो यह आ गया 1,680। सॉरी, 1,680 नहीं, यह आ जाएगा 4,312 एंड 2,520 एंड 1,680। क्लियर? अब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे आपके सामने जो यहाँ पर है। बैलेंस ब्रॉट डाउन सबसे पहले करते हैं, आपको पता है। तीसरा मैंने कॉलम क्यों बना दिया? क्योंकि समीर का भी आ गया, समीर का भी पार्टनर्स कैपिटल साथ ही बोलता है। बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हैं, पुराना पार्टनर के बैलेंस रखे 50,000 और 60,000। 50,000 60,000। आगे देखते हैं, समीर 40,000 रुपये का कैपिटल लाया चेक से, 1/6 शेयर प्रॉफिट का मांग रहा है। तो पहले तो यहाँ पर लिख दो, पैसा लाया तो समीर की कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बाय बैंक अकाउंट, चेक के थ्रू लाया, कितना? 40,000। 40,000 लिख दो यहाँ पर। नेक्स्ट है बोरिया, समीर इज नॉट टू ब्रिंग गुडविल इन कैश। समीर गुडविल नहीं ला पाया। सुशील एंड सतीश रेज द गुडविल इन द बुक्स विच इज वैल्यूड एट हाफ ईयर्स ऑफ परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट लास्ट 3 years लेस 12,000 रुपये प्रॉफिट ऑफ द लास्ट ईयर। आपके देख, अब पहले कह रहा है कि सुशील, देखो समीर जो है कैपिटल गुडविल का चाहिए लाया नहीं, वो कह रहे हैं गुडविल का भी ट्रीटमेंट इस बार अलग करने वाले हैं। इस बार गुडविल का ट्रीटमेंट ऐसा करना है कि गुडविल को पहले रेज करेंगे, यानी कि गुडविल अकाउंट को खोलेंगे, फिर बंद कर देंगे और फिर उस हिसाब से एडजस्टमेंट करेंगे। एडजस्टमेंट एंट्री इस बार ऐसा नहीं करनी कि जैसे एडजस्टमेंट होती है वैसे कि समीर के करंट अकाउंट से लेते हैं, सुशील और सतीश को दे देते हैं, इस बार ऐसा नहीं करना। कह रहे हैं गुडविल अकाउंट खोलेंगे, गुडविल अकाउंट को बंद कर देंगे, पहले ओल्ड रेशो के हिसाब से खोलेंगे, फिर न्यू रेशो के हिसाब से बंद कर देंगे, जिससे डिफरेंस सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग अपने आप आ जाएगा। उसके लिए पहले गुडविल की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, वो निकालना कह रहा है। पहले गुडविल की वैल्यू निकाल लो आप, तो आपको पहले काम करवा रहे हैं, गुडविल की वैल्यू निकालो। तो पहले गुडविल की वैल्यू निकालते हैं, मैं ये थोड़ा मिटा देता हूँ। तो पहले गुडविल की वैल्यू निकालते हैं यहाँ से। देखो गुडविल की वैल्यू वो कह रहा है 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years, प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 years दे रखे है, तो ईयर 1, 2, 3 प्रॉफिट, प्रॉफिट दे रखे हैं आपके सामने 10,000, 20,000, 30,000 टोटल निकालूगा यहाँ पर 60,000। ठीक है, 60,000 पे आ गया एवरेज प्रॉफिट निकालेगा अब यहाँ पर। एवरेज प्रॉफिट कितना आएगा भाई? 60,000 को 3 से डिवाइड कर दूंगा, तो 20,000 पे आपका एवरेज प्रॉफिट आएगा। लेकिन वो कह रहा था एवरेज प्रॉफिट लास्ट ईयर लेस 12,000 से, यानी कि इसमें से 12,000 पे कम नहीं कर देंगे,
क्योंकि हो सकता है कोई खर्चा माइनस नहीं करा होगा, तो लेस एक्सपेंसिस होगा कोई ना कोई, वो 12,000 रुपये कम कर देना, तो 8,000 रुपये की आपका एडजस्टेड या फिर एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट बोल सकते हैं इसे आप, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब गुडविल की वैल्यू निकालेंगे, गुडविल की वैल्यू निकलेगी आपकी 8,000 को जो आपने एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट है उसको 1.5 ईयर यानी कि 1.5 ईयर यही तो कह रहा ना वो, 1.5 ईयर के हिसाब से आपको निकालना है। तो इसको निकालूंगा तो कितना आ गया, ठीक है ये आप, हाँ एक मिनट जरा पहले तो, हाँ लेस वो कह रहा ना 12,000 पे जो करना है वो ब्लास्ट में जाके करना है, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लेना है लास्ट 3 ईयर का, 1.5 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, उसके बाद जाके 12,000 करना है माइनस, ये कह रहा है वो कि विच इज़ वैल्यूड एट 1.5 ईयर परचेज, गुडविल की वैल्यू जब आ जाएगी ना उसके बाद 12,000 माइनस करना है, यानी कि मैंने पहले ही कर दिया, ऐसे नहीं करना। तो एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो गुडविल की वैल्यू कैसे निकलती है, यानी कि देखिए गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है तो 20,000 रुपये का एवरेज प्रॉफिट है, 1.5 का आ गया, तो 1.5 के हिसाब से कितना आ गया 30,000, लेकिन गुडविल की वैल्यू 1.5 करके दिया माइनस 12,000 पे कह रहा था बाद में, यानी कि इसको मल्टीप्लाई करना माइनस 12,000 पे कर देना है, तो माइनस 12,000 करूँगा तो लास्ट में जाके ये 12,000 पे 18,000 पे गुडविल आ जाएगी, क्योंकि वो कह रहा था कि पहले एवरेज प्रॉफिट नंबर में मल्टीप्लाई करो फिर 12,000 माइनस करो, तो गुडविल की वैल्यू 18,000 पे। अब देखो ट्रीटमेंट क्या करना है, यहाँ लिखो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, दूसरा वर्किंग नोट, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ये करना है कि वो कह रहा है कि गुडविल अकाउंट को पहले खोलो फिर बंद कर दो, ताकि सैक्रिफाइसिंग गेनिंग अपने आप ही हो जाएगा, पहले आप डेबिट करोगे फिर आप क्रेडिट करोगे, तो अपने आप समझ, तो अपने आप किसी के अकाउंट में ज़्यादा चल जाएंगे, जिसके अकाउंट में कम डले होते हैं वो कम ठीक हो जाएगा। तो पहले आप डेबिट गुडविल अकाउंट को खोलो, गुडविल अकाउंट एसेट होता है, तो गुडविल अकाउंट डेबिट करो, कितने से करो 18,000 से, और ये बांट दो पहले पुराने पार्टनर बांट दो, क्योंकि गुडविल अकाउंट है, गुडविल अकाउंट को पुराने पार्टनर बांटेंगे सुनील और सतीश, पहले आप ये जो आप दे रखा है, हाँ सॉरी सुशील और सतीश, तो सुशील की कैपिटल अकाउंट में बांट दो पहले, सुशील कैपिटल अकाउंट और फिर सतीश कैपिटल अकाउंट, किस रेशो में, ऑल रेशो में 3:2 के हिसाब से बांटना है, तो 3:2 के हिसाब से बांटोगे तो 10,800 और 7,200 आएगा। फिर आप क्या करो कि ये गुडविल अकाउंट को बंद करना है, बिकॉज गुडविल अभी भी बैलेंस शीट में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर हमने गुडविल अकाउंट खोल दिया तो बैलेंस शीट में लिखनी पड़ती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू AS 26 के अकॉर्डिंग गुडविल ये कमाई भी गुडविल, खुद की कमाई भी गुडविल है, ये नहीं लिखते, तो उसको बंद कर देना है, गुडविल अकाउंट को बंद कर देंगे 18,000 से, लेकिन बंद करने के लिए पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना पड़ता है, लेकिन अब आप तीनों पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट कर देंगे तीनों को, जिससे क्या होगा कि जिसको गेन हो रहा है समीर को, समीर से ले ले जाएगा, समीर डेबिट हो जाएगा, और जिसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है उसके अकाउंट में बिल्कुल ठीक चल जाएगा, सेक्रीफाइस वालों को डेबिट कर देंगे तो उनका जो डिफरेंस होगा उसके अकाउंट में वो अपने आप चला जाएगा, जो कि सेक्रीफाइस करना पड़ेगा उनको, जैसे कि आप करते थे कि समीर के करंट अकाउंट को हमने डेबिट करना, समीर से लेना था पैसा, इन दोनों को देना था, वो अपने आप एडजस्टमेंट हो जाएगी, अब देखना जरा। तो तीनों को आप डेबिट करेंगे, सुशील कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और सतीश कैपिटल अकाउंट और सुनील कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर दूंगा इस बार, समझ रहे बात को, सुनील कैपिटल अकाउंट भी डेबिट कर दूंगा, सुनील नहीं सॉरी समीर नाम है ना नया पार्टनर का, समीर। अब पहले आप समीर को पैसा दो, समीर को शेयर दो, समीर कितने के लिए आया था 1/6 के, तो पहले 18,000 का 1/6 समीर को दो, ये कितना हो गया 3,000, यानी कि 3,000 रुपये ले लेते समीर से, और अब न्यू रेशो, अब जो बच गया कितना बच गया 12,000 रुपये, 12,000 को बांट दो इनकी ओल्ड रेशो के हिसाब से, वही सेक्रीफाइसिंग हो जाएगी ना,
वही सैक्रीफाइसिंग रेशो हो जाती है, जो अगर क्योंकि अगर दोनों पार्टनर है नई रेशो नहीं दे रखी, वही सैक्रीफाइसिंग हो जाती है जो ओल्ड है। 3:2 के हिसाब से बांट दूंगा तो 12,000 को 3:2 के हिसाब से बांटू कितना कितना आएगा, तो वो आएगा देखो समीर के सॉरी करंट अकाउंट से लेते हैं, तो समीर के करंट अकाउंट को डेबिट करना है, कैपिटल को भी कर सकते हैं लेकिन करंट अकाउंट को जनरली करते हैं, तो समीर के करंट अकाउंट को डेबिट करूंगा, ठीक है करंट अकाउंट। सो समीर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे, बाकी बचा 12,000 को बांट दूंगा 3:2 के हिसाब से, वो कितना कितना बटेगा, वो आपका बढ़ जाएगा कितना कितना, समीर का तो ले लिया 3,000 रुपये, तो 9,000 और 6,000, ठीक है 15,000 बचेगा ना, 15,000 बचेगा, तो 9,000 और 6,000 रुपये 3:2 के हिसाब से बढ़ गया, ये होना है। बस इसी को समझना था इस क्वेश्चन में, मेन चीज़ यही थी समझने के लिए कि गुडविल अकाउंट को पहले खोल। अब आप ध्यान से देखो, 3,000 रुपये समीर से लिए करंट डेबिट किया, और 3,000 को देखो कैसे बटा है सैक्रीफाइसिंग में, पहले सुशील को पुरानी रेशो में कर दिया, ओल्ड माइनस न्यू, सैक्रीफाइसिंग किसे बोलते हैं, ओल्ड माइनस न्यू, तो देखो ओल्ड में बटा फिर न्यू में डेबिट कर दिया, माइनस का मतलब डेबिट होता है कैपिटल अकाउंट में, प्लस का मतलब क्रेडिट होता है, तो ओल्ड माइनस न्यू, तो अपने आप उसके अकाउंट में जो शेयर जाना था 3,000 का वो जा चुका है। ध्यान से देखो 10,800 माइनस 9,000 कितना होता है 1,800। ऐसे आप देखो सतीश को पहले मैंने क्रेडिट कर दिया ओल्ड रेशो में, फिर न्यू रेशो में डेबिट कर दिया, ओल्ड माइनस न्यू करूँगा तो कितना आ गया उसके अकाउंट में 1,200, नेट 1,200 आ गया। देखो 1,800 और 1,200 कितना होता है 3,000 तो होता है, यानी कि मैंने 3,000 रुपये समीर से लिए और इनके अकाउंट में नेट 3,000 रुपये वो पहुंच गए, इसको 1,800 देना था इसको 1,200 देना था, लेकिन वो सीधी तरह एंट्री नहीं करी, हमने थोड़ा सा लॉन्ग कट तरीका कर दिया, पहले ओल्ड में बांट दिया फिर न्यू में ले लिया, तो उसके अकाउंट में अपने आप सैक्रीफाइसिंग वाला चला गया शेयर, ये चीज़ हमने करी। अब इसको लेजर पोस्टिंग करते हैं, यहाँ पर पहले क्रेडिट हो रखा है तो यहाँ लिखूंगा बाय गुडविल अकाउंट, बाय गुडविल अकाउंट, सुशील में 10,800 क्रेडिट हो रखा है 10,800 लिखो, इसमें 7,200 रखा है, फिर गुडविल अकाउंट क्रेडिट हो रखा है इसको डेबिट हो रखा है, तो यहाँ लिखूंगा 2 गुडविल अकाउंट, 9,000 6,000 3,000, तो 9,000 6,000 3,000, समझ आ रही बात। फिर देखो ये लॉस को भी यहाँ ट्रांसफर करना होता है, यहाँ लिखूंगा 2 रिवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, ये कितना कितना लॉस आएगा 2,520,1,680, ठीक है क्लियर हो रही बात, ये चीज़ कर दी। अच्छा एक चीज़ आपको ध्यान से नहीं है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व भी दे रखा था, जैसे मैंने आपको बताया था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नीचे एक एडजस्टमेंट थी कि 3,000 का जो क्लेम आया था तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से वो 3,000 का क्लेम पूरा कर देगी, लेकिन जो बचता है बैलेंस वो पांडस कैपिटल अकाउंट में पड़ता है, तो 5,600 रुपये का वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था, उसमें से 3,000 का क्लेम तो इसमें से पूरा कर देंगे, बाकी बचा 2,600 रुपये वो कहाँ जाएगा, वो यही तो बटेगा इनको बटेगा, तो यहाँ लिखेंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट 2,600 रुपये को बांटना है 3:2 के हिसाब से दोबारा से, तो भैया 2,600 का बांटूंगा तो भाई 2,600 का पहले डिवाइड करो तो 5 से, तो 520 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका शेयर आ गया, ये कितना आ गया 1,560, 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो इसका शेयर आ गया, ठीक है 1,040, समझ आ रही बात, और कुछ भी नहीं है। एक और है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है शेयर पे, भैया वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बटता है, ये एक्युमुलेटेड लॉसेस है डेबिट बैलेंस है ये, तो ये यहाँ बटेगा 2 एसेट बटता है यहाँ पर 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चार जब दे रखा है 4,000 को 3:2 में बटोगे तो पहले 5 से डिवाइड कर दो 800 आ गया, फिर 2,400 एंड 1,600, क्लियर ये करना था और कुछ नहीं आने वाला, ठीक है और कुछ नहीं आने वाला, बस यही आना था, ठीक है यही आना था। हालांकि इसमें आप न्यू रेशो भी निकाल सकते थे,
बट न्यू रेशो निकालने की मैंने आपको बिना न्यू रेशो करवा दिया। न्यू रेशो कैसे निकालते हैं आप? ऐसे निकालते ना, पहले इसको 1/6 शेयर देते, 1 - 1/6 रिमेनिंग बचता, फिर वो इन पे बटता। तो मैंने उसी रेशो उसी हिसाब से निकाला है, रेशो निकालने की जरूरत नहीं पड़ी। पहले इसको बांटा, जो बचा उसको किस रेशो में बांटते हो? जिस रेशो में, वो ओल्ड रेशो थी तो उसको मैंने उसी रेशो में बांटा था। न्यू रेशो निकालोगे तो 3:2:1 आएगी वैसे इसमें, आप निकाल लेना बिना निकालने के। अब निकाला कॉन्सेप्ट आपको समझना है इसका। अब करते हैं चलो टोटल, इसका टोटल करते हैं जरा। इसका टोटल कितना आ रहा है भाई? 60,800, ठीक है। ये आपके सामने कितना आ जाएगा? सॉरी 10,800 है, हाँ सॉरी। तो ये 6,3,2 and 6,2,3,6,0 आ रहा है, ठीक है। इसका टोटल यही टोटल यहाँ भी आना चाहिए 6,2,3,6,0। इसको माइनस करूँगा तो कितना आएगा भाई? माइनस करूँगा तो भाई साहब इसमें आ जाएगा 6,2,3,6,0 में से माइनस करूँगा तो ये आ जाएगा 4,8,4,4,0, ठीक है, 4,8,4,4,0। तो ये आ गया 2 बैलेंस कैरी डाउन लिख दूंगा यहाँ पर। ऐसे ही इसका करते हैं, इसका कितना आ रहा है? यही इसका आना चाहिए 6,8,2,4,0 यहाँ पर। इसको उसमें से माइनस करूँगा तो 5,8,9,6,0 आ जाएगा। ऐसे इसका तो 40,000 है, 40,000 लिखूंगा यहाँ पर। अच्छा 3,000 रुपये यहाँ पर नहीं आएगा इसका, क्यों? क्योंकि वो हमने ना करंट अकाउंट से एडजस्टमेंट करी है। अगर कैपिटल अकाउंट से करते तो यहाँ पर आता समीर के करंट अकाउंट में, तो 3,000 रुपये यहाँ आएगा। तो इसका 40,000 रुपये ही यहाँ पर होगा, तो इसका फिर बैलेंस कैरी डाउन में 40,000 ही आएगा। समझ रहे हो बात को? अगर मैं कैपिटल अकाउंट लिखता तो यहाँ पर आता उसका एडजस्टमेंट। तो ये आपका कैपिटल अकाउंट बन गया है, ठीक है। चलिए बैलेंस शीट बनाते हैं नई फर्म की, 1 अप्रैल को बनेगी क्योंकि नया पार्टनर 1 अप्रैल को आया था। अब एक एक करके आपको एडजस्टमेंट का बहुत ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कैश लिखा हुआ है, कैश को छोड़ो, ठीक है, कैश को छोड़ो। तुम लिखो सीधा सन्ड्री डेटर, सन्ड्री डेटर लिखो चुपचाप, तुम सन्ड्री डेटर पर लिखो कैश को, क्योंकि बाद में लिखेंगे। सन्ड्री डेटर 80,000 रुपये के है, 80,000 रुपये के लेस प्रोविज़न लिखा हुआ था, बट मैंने क्या बताया था कि प्रोविज़न को मैंने एडजस्टमेंट कर दी बैड डेट के साथ, तो प्रोविज़न तो पूरा खत्म हो गया था 4,000 से, लेकिन फिर बैड डेट 2,000 के अभी बच गए थे, तो मैंने वो यहाँ लिखा था, नहीं बैड डेट नहीं। तो वो जो प्रोविज़न को माइनस करेगा बैड डेट बच गए, वो इसमें से माइनस होगा लेस बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट, इसे बोल सकते हैं 2,000, तो 78,000 का बचा। स्टॉक वैसे का वैसे ही रहेगा, स्टॉक का कुछ भी नहीं हुआ, 20,000 ही रहेगा। स्टॉक हुआ था क्या? नहीं हुआ था, नहीं स्टॉक का कुछ नहीं हुआ था, देखो ध्यान से 20,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को बांट दिया था, मशीनरी का भी कुछ नहीं हुआ था, मशीनरी भी वैसी का वैसी 38,600 ही लिखा जाएगा। समझ आ रही बात? कुछ भी नहीं आएगा, क्लियर। चलिए अब आते हैं लायबिलिटी साइड पे, लेकिन हाँ अभी कैश लिखते हैं यहाँ पर पहले। कैश में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, कैश 10,000 का ही रहेगा, क्योंकि ये जो कैपिटल आया था बैंक अकाउंट से लाया था, गुडविल तो लाया ही नहीं। अब बैंक अकाउंट एक नया बना देंगे, बैंक का बैलेंस में 40,000 रुपये आए, और कुछ आया है पहले ध्यान से देख लो? कुछ नहीं आया भाई, और कुछ नहीं आया, तो बैंक के बैलेंस में 40,000 लिख दूंगा, समझ गए? बस ये है। अब आते हैं लाइबिलिटी साइड पे, आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा हुआ था, तो आउटस्टैंडिंग रेंट लिखूंगा, लेकिन वो 11,200 का होगा था, याद करो आउटस्टैंडिंग रेंट 1,800 से कम हो गया था, 13,000 का था, तो 11,200 लिखूंगा। क्रेडिटर के बारे में भी रेवोल्यूशन अकाउंट में लिखा था, देखो क्रेडिटर 2,000 से बढ़ गए, 20,000 के थे तो 22,000 के हो गए, इसका मतलब 2,000 से बढ़ गए। वर्कमैन कंपनी रिजर्व, तो भैया पूरा बट मतलब वर्कमैन कंपनी रिजर्व मैंने क्लेम भी पूरा कर दिया, बांट भी दिया, तो वो तो पूरा हट गया। कुछ नई लाइबिलिटी आ गई थी, देखो ये क्लेम फॉर डैमेजेस, तो यहाँ लिखूंगा क्लेम फॉर डैमेजेस, ये आपकी लाइबिलिटी है,
2000 या आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेज इसको बोल सकते हैं। अब आपके सामने कुछ नहीं करना सिंपल, अब आपको ये देखना है कि ये कैपिटल अकाउंट के बैलेंस कितने बचे। कैपिटल अकाउंट तो देखो सुशील, सतीश और समीर, तो यहाँ लिखो सुशील, सतीश और समीर कितने कितने हैं। इसका आया 48440, इसका आया 58960, इसका आया 40000, यही आया ना। टोटल करोगे तो कितना आ रहा है, 16 और 17, 9 और 13 11। एक याद रखना, एक चीज़ और ध्यान से पढ़ना, मैंने समीर के करंट अकाउंट को भी डेबिट किया था, तो अगर मैंने यहाँ नहीं लिखा उसका ट्रीटमेंट तो क्या समीर का करंट अकाउंट कहीं और आएगा ही नहीं। आएगा तो कहीं ना कहीं भाई, समीर का करंट अकाउंट जो लिख दिया वो करंट अकाउंट डेबिट बैलेंस लिखा है, समीर का करंट अकाउंट डेबिट किया है, तो डेबिट किया है तो वो एसेट होता है। जब भी कोई करंट अकाउंट का डेबिट बैलेंस हो तो एसेट टाइप लिखते हैं और क्रेडिट बैलेंस हो तो लायबिलिटी टाइप लिखते हैं। तो समीर का जो करंट अकाउंट मैंने डेबिट किया और क्रेडिट कुछ भी नहीं किया तो समीर के करंट अकाउंट में डेबिट बैलेंस आएगा, वो भले ही मैंने बनाया नहीं, बट समीर का जब आप करंट अकाउंट बनाओगे ऐसे समीर करंट अकाउंट उसके डेबिट साइड पर लिखोगे टू ये सुशील, टू सतीश, ऐसे लिखोगे तो इसको मतलब डेबिट बैलेंस आएगा और डेबिट बैलेंस यहाँ पर आता है। तो यहाँ लिखूंगा समीर करंट अकाउंट 3000, याद करो अभी 3000 एंट्री करेगी। ये है असल में सारा खेल। अब इसका हम टोटल करते हैं, टोटल करते हैं, और कुछ भी नहीं आ रहा है, समझ रहे हो, और तो कुछ नहीं आ रहा भाई। तो टोटल करूँगा तो भाई इसका आ रहा है देखो 22, ये हो गया 24000, 24000 और 11200 कितना हो गया 35200, 147400 इसका करूँगा तो 182600 आना चाहिए, ठीक है। हाँ देख लेते हैं कि भाई हाँ हमारा कुछ बचा तो नहीं है ना, एक मिनट, हाँ एक मिनट ज़रा, सॉरी, हाँ सॉरी 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 भाई, एक चीज़ यहाँ समझ लेना, एक चीज़ रुक जाओ, देखो आई एम सॉरी फॉर दिस, बैड डेट तो सबसे पहले 6000 से ही माइनस हो, क्यों भैया आपने तो 2000 के बैड डेट रखे थे, बिल्कुल सही बात है आपकी, लेकिन मेरी बात ध्यान समझो, बैड डेट 2000 के यहाँ पर रिवेन्यू अकाउंट में लिखे, यहाँ 2000 कैसे लिख दूंगा, 4000 पे कहाँगे भाई, मतलब कि आपने 80000 में से तो पहले तो 4000 पहले माइनस कर रखे थे, उसके बाद अब 6000 के बैड डेट आ गए, बात ठीक है आपकी कि भैया 6000 के बैड डेट है, लेकिन प्रोविज़न को तो आपने हटा दिया, लेकिन जो बैड डेट 6000 पे क्या है उसमें से तो एक रुपया भी आपने डेटर से माइनस नहीं किया, पहले बैड डेट डेटर से माइनस होते हैं, ध्यान से मेरे पास होगी एंट्री, ध्यान से बनना क्या होती है, पहले बैड डेट अकाउंट डेबिट होता है टू सन्ड्री डेटर होता है, यानी कि पहले बैड डेट को सन्ड्री डेटर से ख़त्म किया जाता है 6000 पे के नए बैड डेट आए, फिर इस बैड डेट को हम ट्रांसफ़र कर देते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट में। तो जो मैं एंट्री बता रहा था ये अगले वाली थी, पहले बैड डेट तो ख़त्म होगा सन्ड्री डेटर से, फिर उसके बाद बैड डेट को ख़त्म करने के लिए प्रोविज़न के साथ ख़त्म कर, बैड डेट को रिटर्न ऑफ कर दूंगा प्रोविज़न के साथ, तो बैड डेट अकाउंट को बंद कर दिया प्रोविज़न के साथ, ठीक है। फिर एक्चुअल में प्रोविज़न बंद हो गया तो प्रोविज़न यहाँ भी नहीं रहा, फिर वो प्रोविज़न 4000 जो माइनस कर रखा था बैलेंस शीट में वो भी हट गया, लेकिन 6000 तो माइनस होगा मेरे भाई पहले एंट्री से। और यहाँ पर भी एक चीज़ दिक्कत है, वो है क्लेम, तीसरी एडजस्टमेंट क्या दिक्कत था कि वर्कमैन कंप से जो क्लेम आया 3000 पे क्या वो नहीं लिखूंगा कहीं पे, क्योंकि मेरी बात यहाँ समझो, आपने वर्कमैन कंप रिजर्व सिर्फ और सिर्फ कितना बांटा है, बाकी जो बचा था 2600 रुपये, 5600 में से 3000, 5600 में से 3000 नहीं बांटा, बाकी बांट दिया, वो 3000 पे गया कहाँ, वर्कमैन कंपनी रिजर्व को हटा दिया ना आपने, कम कर दिया, लेकिन मेरे भाई उसको लाइबिलिटी एक नहीं आ गई, क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम पे एक लाइबिलिटी आ गई है, वो लाइबिलिटी भी तो यहाँ लिखूंगा यहीं पे लिख लेंगे, तो यहाँ लिख रहा हूँ मैं वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, ठीक है, ये क्लेम है 3000 रुपये का, ये भी तो आया क्लेम,
क्योंकि आपने पता क्या एंट्री करी होगी, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 3000 से, फिर वर्कमैन कंपनसेशन जब जो 2600 बचा वो इन पार्ट में बांट दिया। ये जो आपने 3000 पे ख़त्म किया उसकी जगह पे आपने वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम बोल दिया, तो वो क्लेम के नाम से आ गया। एक्चुअल में वो बटा नहीं है किसी को, तो जब बटा नहीं है तो लायबिलिटी साइड पे तो नाम आएगा ना, बस नाम बदल के रिजर्व की जगह क्या नाम आ गया, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम नाम आ गया, वो लायबिलिटी आ गई। रिजर्व को हटा के 3000 पे हमने लायबिलिटी का नाम दे दिया। तो ये गलती ना कर देना कि 3000 पे लिखे गए नहीं है, लिखे गए भाई साहब, वरना बैलेंस शीट मैच नहीं होगी, क्योंकि वो 3000 पे आपने किसी में बांटा नहीं है, तो इसलिए आप कैसे उसको नहीं लिखोगे। 3000 पे वो वहीं का वहीं है, बस नाम बदल गया, क्लेम का नाम आ गया इस पर, बाकी बट गया, बाकी तो इस कैपिटल अकाउंट में प्लस हो गए। तो ये अब आपकी बैलेंस शीट अब मैच हो जाएगी। वो आंसर आएगा 185600 जो उसके टोटल। उम्मीद करता हूँ चलो आपको समझ में आएगा, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, थैंक यू सो मच। आप चाहते हो कि और क्वेश्चंस के मैं वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट कीजिए कौन कौन से आप क्वेश्चन चाहते हो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं।